आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजशेखर है। निर्माण एजेंस के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा थी। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं इस उम्मीद के साथ में कि उनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ हो, पर एग्जाम देने के बाद से जो तो पहली हलचल होती है मन में कि कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए, इन सारी चीजों को लेकर के मन में काफी उत्सुकता बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी उत्सुकता को आज शांत करेंगे और इस तरीके से कि ऑथेंटिसिटी उसमें आए, कोई उसमें शक की गुंजाइश ना रह जाए इस सेंस में। और एक चीज को समझते हुए कि अगर जिन बच्चों का खराब हुआ, ऐसा हो ना कि किसी का खराब हुआ हो, लेकिन अगर फिर भी खराब हुआ है और कुछ कारण कुछ गलतियां रह गई हैं कि वो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ नहीं पाए हैं, तो कैसे क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इन सारी चीजों को लेकर के एक हम लोग होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे कि आप लोग के सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाए, आप लोग अपना क्वेश्चन एकदम 100% ऑथेंटिसिटी के साथ में, सटीकता के साथ में उसको मैच कर पाए। तो इस पर आने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि इस बार का यूपीपीसीएस का पेपर जो था वो कैसा था, पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना अलग है और क्या बदलाव इस बार आयोग ने किया है। तो देखने से ट्रेंड को पता चलता है कि कोई विशेष बदलाव नहीं है। यूपीपीसीएस एक खास लाइन को लेकर के चलती है और इस बार का भी जो पेपर है उसी लाइन के, उस एवरेज लाइन के आसपास ही है। पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो लगभग सिमिलर ही है कि 2022 में हिस्ट्री से पूछा गया था 26 क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया 27 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन, इस बार 22 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 18 थे, इस बार 18 ही रखे गए हैं, साइंस में 16 था, इस बार 13 रह गए हैं, पॉलिटी में 20 था, 23 हुआ है, इकोनॉमी में 19 था, 16 हुआ है, यूपी स्पेशल में सेम थोड़ी सी इसमें कमी आई है, 8 था, इस बार 3 है, करेंट अफेयर्स को लेकर के वही है, लगभग आंकड़े सेम है, 24-25 लास्ट बार भी थे, 24-25 इस बार भी थे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। और पेपर को देखने के बाद से ये बात स्पष्ट होती है कि जो पेपर का संतुलन है वो काफी अच्छा है, ना तो ज्यादा टफ है और ना ही बहुत ज्यादा आसान है। तो हर टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बहुत बच्चों टाइप के, एकदम गोलू मोलू टाइप से प्रश्न है, बहुत आसान है जो कोई भी कर लेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल जो है उस लेवल को मैच करने की कोशिश की है इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, जो यूपीएससी पूछती है उसके आसपास जाने की कोशिश उस पैटर्न पर, ठीक है। और इस पेपर को देखने के बाद से कहा जा सकता है कि ना तो ये बहुत ज्यादा टफ है और ना ही बहुत ज्यादा आसान है, एक मॉडरेट लेवल है पेपर का। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे पिछले बार के पेपर और इस बार को पेपर को देख करके, तो हम लोग का अनुमान है कि लगभग 87 to 90 प्लस माइनस 2 आप रख सकते हैं, यही कट ऑफ होना चाहिए। मार्क्स के हिसाब से बात करें तो जनरल कैटेगरी का 115 से 120 मार्क्स के बीच में रहने का अनुमान है ओबीसी, और बाकी इसी तरीके से हम नीचे बढ़ते हुए आ जाएंगे कि जैसे कि ओबीसी का कितना होगा, 110 से 115 16 के बीच में अगर है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी आप लोग को करनी चाहिए, ठीक है।